कि हम इंसान 5.5 लीटर खून से भरे पुतले हैं, जिन्हें 150-250 ग्राम का दिल फ्रेश रखता है। जरूरी नहीं है कि अच्छा आइडिया हो तो फिल्म भी अच्छी ही बने। लाल रंग के साथ यही हुआ है। सैयद अहमद अफजल ने एक अच्छे उद्देश्य के साथ लाल रंग बनाई है, लेकिन वे बात को सही तरीके से नहीं रख पाए। यहाँ लाल रंग का मतलब खून से है। खून किसी की जिंदगी बचा सकता है, लेकिन कुछ लोग इसे व्यापार बना लेते हैं। इन रक्त माफियाओं के काम करने के तरीके के इर्द गिर्द घूमती है लाल रंग। हरियाणा में रहने वाला राजेश मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में डिप्लोमा के लिए कॉलेज में एडमिशन लेता है। वहाँ वह पूनम को दिल दे बैठता है और शंकर से उसकी दोस्ती हो जाती है। शंकर दादा टाइप इंसान है जो खून का अवैध कारोबार करता है। शंकर के स्टाइल से प्रभावित होकर राजेश भी उसके इस धंधे में शामिल हो जाता है। पैसे को लेकर राजेश और शंकर के संबंधों में दरार आ जाती है। SP गजराज सिंह इस घटिया कारोबार को बंद करना चाहता है। इन्हीं बातों के आसपास से गुजरती है यह फिल्म। जो ब्लड लेना है वो रिप्लेसमेंट भी लावे, रिप्लेसमेंट नहीं तो ब्लड नहीं। फिल्म को मनोरंजक बनाने के चक्कर में फिल्म अपने मूल उद्देश्य से भटकती है। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से यह अवैध कारोबार चलता है, लेकिन बीच बीच में राजेश पूनम तथा शंकर की लव स्टोरी भी आपको झेलनी पड़ती है। शंकर और राजेश के बीच भी कई दृश्य हैं जो आपके सब्र की परीक्षा लेते हैं। फिल्म बेहद सुस्त गति से चलती है और अधिकांश जगह ठहरी हुई लगती है। भाई मुझे ये काम करना है। तेरे मुंह लग गया खून। निर्देशक सैयद अहमद अफजल ने अपनी बात कहने में बहुत सारा वक्त लिया है। विषय अलग है, लेकिन कहीं यह डॉक्यूमेंट्री न बन जाए, इसलिए निर्देशक और लेखक ने इसमें मनोरंजन के तत्व डाले हैं और यहीं पर सारी चूक हो गई है। जो ड्रामा दिखाया गया है वह बेहद उबाऊ और लंबा है। स्क्रीन की बजाय आप अपनी घड़ी देखने लग जाएं तो ये किसी भी फिल्म के लिए अच्छा लक्षण नहीं है। नाम शंकर से भगवान नाम। फिल्म के कलाकारों का अभिनय अच्छा है। रणदीप हुड्डा ने अपने कैरेक्टर को एक खास स्टाइल देते हुए बेहतरीन अभिनय किया है। अक्षय ओबेरॉय ने एक सीधे साधे युवा की भूमिका बखूबी निभाई है। सहारनपुर गर्ल के रूप में टिया वाजपेयी का अभिनय भी अच्छा है। मीनाक्षी दीक्षित और रजनीश दुग्गल के पास करने को ज्यादा कुछ नहीं था। फिल्म न तो मनोरंजक है और न ही गंभीर मुद्दे को ठीक से उठा पाती है। कुल मिलाकर लाल रंग रंगहीन है। इस फिल्म को मैं 5 में से 1 स्टार देता हूँ।